हेलो बच्चों, तो आज हम हिंदी के क्लास में अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था औपचारिक पत्र क्या होते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ओके, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखा जाते हैं। देखो, ठीक है, अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र जब हम किसी रिलेटिव को या किसी दोस्त को या किसी परिवार के लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, उनका हालचाल पूछने के लिए या उनको इनविटेशन देने के लिए, निमंत्रण मतलब इनविटेशन, ठीक है, या किसी सूचना देने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम माता पिता को लेटर लिखते हैं, माता या पिता को, ठीक है, या भाई बहन या किसी दोस्त को। ठीक है, जैसे कि बधाई पत्र हो, ठीक है, शुभकामना, ठीक है, निमंत्रण, कोई सलाह आदि देने के लिए, एडवाइस देने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं। ओके, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं उन सारे पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें औपचारिक पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भाषा सरल होना चाहिए। ठीक है, जिस भाषा से हम पत्र लिखते हैं वो भाषा सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आ सके। ठीक है, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, जो पत्र में हम बात लिखते हैं वो पूरा ब्रीफ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा लिख दिया आधा छोड़ दिया। ठीक है, पत्र में आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, पत्र में जो स्टार्टिंग पे जो हम लिखते हैं और जो लास्ट में जो हम लिखते हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पत्र प्रक्षेप व प्रपेक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, प्रक्षेप मतलब सेंडर, ठीक है, और प्रपेक मतलब रिसीवर। ठीक है, जो लेटर लिखते हैं, जो सेंडर होते हैं और जो रिसीवर होते हैं, उन दोनों का एड्रेस जो है, पता जो है, वो साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए और स्पष्ट, दूसरों को भी समझ में आ सके। ठीक है, ओके, अब देखो, अगर हम अपने से बड़े को, किसी बड़े को लेटर लिखते हैं, ठीक है, और अब देखो बच्चों, अगर हम किसी बड़े को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तब संबोधन में, संबोधन मतलब एड्रेस करना किसी को, ठीक है, तब हम आदरणीय, पूजनीय, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदरणीय, अगर हम किसी पुरुष को हम पत्र लिखते हैं, है ना, तब आदरणीय लिखते हैं, अगर स्त्री हो तो आदरणीय। ठीक है, पूजनीय, अगर पुरुष हो तो पूजनीय, अगर कोई स्त्री हो तो यहाँ पे आ होते हैं, आ की मात्रा। ठीक है, या फिर आदरणीय लिखते हैं या फिर पूजनीय लिखते हैं। ओके, अभिवादन, अभिवादन मतलब ग्रेटिंग्स। ठीक है, सदर प्रणाम लिखते हैं या फिर सदर नमस्ते या फिर नमस्ते, नमस्कार या नमस्ते। ठीक है, समाप्ति मतलब जब लास्ट में, एंड में। ठीक है, आपका बेटा या बेटी या पोत, आपका पोता या पोती। ठीक है, आपका नाती या, ओके, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी छोटे को पत्र लिखते हैं या किसी बराबर को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तब संबोधन में प्रिय या फिर प्रिय मित्र या प्यारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभिवादन में मधुर स्मृतियां, है ना, मधुर स्मृतियां मतलब स्वीट मेमोरीज। ठीक है, सदा खुश रहो या फिर सुखी रहो, आशीर्वाद। ठीक है, और समाप्ति में, एंड में, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र।
ठीक है, शुभ चिंतक, ओके, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है अगर किसी छोटे को हम पत्र लिखते हैं या किसी बराबर को पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो संबोधन, अभिवादन, समाप्ति कहाँ पे प्रयोग होते हैं अभी हम प्रारूप में देखेंगे, ठीक है। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, ठीक है। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है अभी हम देखेंगे, ओके, प्रारूप कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशेक लिखने वाले का पता, प्रशेक मतलब जो लेटर लिखते हैं, सेंडर है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है सबसे पहले, ठीक है, ओके। बिल्डिंग का नाम, स्ट्रीट का नाम, है ना, या फिर स्टेट का नाम, ठीक है। उसके बाद दिनांक, दिनांक मतलब डेट, डेट लिखा जाता है, ठीक है। फिर संबोधन, किसी को एड्रेस, है ना, अगर हम किसी बड़े को करते हैं तो आदरणीय, पूजनीय, है ना, अगर किसी छोटे को करते हैं तो प्रिया बहन या प्रिया भाई, है ना, प्रिया मित्र या प्यारे, ओके। अभिवादन, अगर किसी बड़े को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे सदर प्रणाम, है ना, अगर किसी छोटे को करते हैं तो सदा खुश रहो या फिर सदा सुखी रहो, आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ जो है यहाँ पे तीन पार्ट में, तीन पागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहले में हम बताते हैं कि हम यहाँ पे सब, यहाँ पे कुशल है, ठीक ठाक है, आप लोग कैसे हो, है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में हम पत्र किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तीसरे अनुच्छेद में यहाँ पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहना, सबको मेरी तरफ से प्यार देना, है ना, ठीक है। लास्ट में प्रपेक के साथ प्रशेक का संबंध, ठीक है, जिसको हम लेटर लिखते हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है, ठीक है। प्रशेक, प्रपेक मतलब रिसीवर, है ना, प्रशेक मतलब सेंडर, रिसीवर का सेंडर के साथ क्या संबंध है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ी बहन छोटी बहन को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी बहन, है ना, बड़ी बहन जो है अपनी छोटी बहन को पत्र लिख रही है, ठीक है। लास्ट में जो सेंडर है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, ओके बच्चों, ठीक है। तो इसका अभी मैं एग्जांपल भी आपको सेंड करूंगी, ठीक है, एग्जांपल को देखो और वीडियो को अच्छे से समझो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।